Hi guys, welcome back to my channel, The Colorful Snazzy. I'm Ishanki Tiwari here. As you have already read the title, so this video is all about कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए that you are not, you know, following the fraud events और सही और गलत में एक तरह से पहचान होनी चाहिए if you are in this industry, blogging, influencing, YouTube industry और generally भी अपनी life में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है which you think is wrong तो उसके लिए किस तरह से इन्फॉर्मेशन्स निकालनी चाहिए सो आई एम गोना टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई हैव प्रिपेयर्ड माई होल लिस्ट एंड मैंने वो सारी चीज़ें इस बुक में नोटबुक में नोट डाउन कर रखी हैं जो जो मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी बताने की थोड़ी बोरिंग हो सकती है चार्टी वीडियो हो सकती है बट आई एम श्योर दैट इट विल बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत काम आएगी सो प्लीज़ make sure you watch it till the end and to all the girls especially for you bahut important hai so please make sure you forward this to every single girl out there so without any further ado let's get into the video so I shall first start with the a little back story jo recently mere sath hua and I was not angry or something I was hurt ki ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था तो ऑब्वियसली आई वॉज लिटिल स्केयर्ड हर्ट कि लोग ऐसे भी होते हैं इस तरह से सो हुआ क्या था आई विल टेल यू स्टोरी क्विकली रिसेंटली इन जनवरी मिड ऑफ जनवरी आई रिसीव्ड अ इंस्टाग्राम मैसेज फ्रॉम अ स्पैनिश लेडी तो उस लेडी ने मुझे बताया कि उसका एक क्लोदिंग लाइन है एंड उस क्लोदिंग लाइन की ओपनिंग वो मुंबई में करने वाली है लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वो लोग इंडिया में आ रहे हैं और मुंबई में उनकी ओपनिंग है एंड वुड यू लाइक टू अटेंड द इवेंट सो आई आस्क्ड कि कहाँ पे है इवेंट एंड गिव मी ऑल द डिटेल्स कब है सो फर्स्टली आई डिनाइड बिकॉज दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था टोल्ड हर दैट आई वॉन्ट बी एबल टू यू नो अटेंड दिस बिकॉज मैं दिल्ली में रहती हूँ और इवेंट मुंबई में है सो शी से नो वी विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन ट्रैवल एक्सपेंस सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी इन फैक्ट यू विल बी गिवन सर्टेन अमाउंट टू अटेंड द इवेंट सो आई इज़ लाइक ओके फर्स्ट टेल मी ऑल द डिटेल्स सो ये सारे प्रोसेस होते होते उन्होंने मेरे से मेरा बॉडी मेजरमेंट्स मांगे मेरी पिक्चर्स मांगी सो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं ठीक है कोई भी ब्रांड अगर होता है तो वो तुमसे मीडिया किट पिक्चर्स ये सब चीज़ें मांगता है सो वॉट हैपन इज़ कि उसके बाद उसने अपने किसी प्रोड्यूसर की सेक्रेटरी का मेरे को नंबर दिया कि सारी डिटेल्स शी विल यू कैन फॉलो अप फ्रॉम हर तो मैंने उससे सारी चीज़ें फॉलो अप करनी स्टार्ट कर दी लाइक वेयर एंड व्हेन द इवेंट इज़ हैपनिंग और सब कुछ तो मुझे कहीं ना कहीं 1% डाउट था कि एक फ्रेशर को कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड दैट टू इट हैज़ अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे मिलने थे मुझे तो मुझे उसी चीज़ में डाउट हो गया कि भाई मुझे कोई इतने पैसे क्यों देगा और यू नो समथिंग लाइक दैट उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया दैट डे वॉज आई थिंक ट्यूजडे जब मैं उसकी सेक्रेटरी से लास्ट बात कर रही थी एंड वेडनेसडे तक मुझे अपना आंसर देना था क्योंकि हमें ट्रायल के लिए इट वॉज़ लाइक हमें इवेंट कवर करना था प्लस अ सॉर्ट ऑफ फैशन शो रैम्प वॉक करना था सो आई थॉट कि चलो ठीक है हमें ट्रायल के लिए जाना था 3rd February को सो वो वेडनेसडे था डे जिस दिन मुझे उनको फाइनल आंसर देना था दैट ईदर आई एम इंटरेस्टेड नॉट तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया आई जस्ट वेंट ऑन इंस्टाग्राम मैंने जाकर के उस लेडी का स्पैनिश लेडी का इंस्टाग्राम पेज अकाउंट खोला एंड देन आई सॉ कि मेरे कुछ फेलो ब्लॉगर फ्रेंड्स हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं सो आई कॉन्टैक्टेड सम ऑफ देम मैंने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे क्या तुम्हें भी इन्वाइट आया है एंड ऑल ऑफ दैट तो आफ्टर टॉकिंग टू देम आई रियलाइज दैट दिस होल इवेंट वॉज अ ट्रैप इट वॉज नथिंग लाइक दैट विच वॉज हैपनिंग इन मुंबई कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था एंड वी इवन कन्फर्म्ड इट फ्रॉम द होटल एंड बाद में हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था वो बहुत बड़ा ट्रैप आई डोंट नो ईदर इट वॉज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वॉट बट वी मतलब लाइक आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे सही टाइम पे पता लग गया एंड आई एम सेफ नाउ
सो फ्रॉम दैट डे मैंने कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए, हर इवेंट का पूरा बैकग्राउंड डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर कमिटिंग टू एनी पर्सन कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो. सो फॉर दिस होल सीरीज ऑफ इवेंट विच हैपेंड विद मी, और ऐसे मेरे साथ ही नहीं कितने ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसे और भी इवेंट्स पहले हो चुके हैं या हो रहे हैं. तो एक ब्रांड नेम जब हो जाता है ना, तो उसके फ्रॉड चीज़ें बहुत ईजिली मार्केट में डेवलप हो जाती हैं. तो यही चीज़ें कुछ अवेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा. इट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड एवरीथिंग टू पुट इट आउट लाउड ओवर द इंटरनेट कि मेरे साथ ये हुआ है, और मैं बाकियों को अवेयर करना चाहती हूँ थ्रू दिस. ऑब्वियसली आई एम हर्ट, मुझे बुरा लगा था इस चीज़ के लिए. आई एम स्केयर्ड अ लॉट, मतलब आफ्टर पुटिंग माई फीट इन टू दिस इंडस्ट्री मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, एंड आई वॉज रियली स्केयर्ड. तो इतना ज़्यादा मैं डरी हुई थी कि मैंने उस पूरे हफ्ते काम नहीं किया कुछ भी. सो आई थॉट कि बहुत हो गया, आई हैव टू गेट बैक ऑन द ट्रैक, एंड मुझे ये वीडियो बना करके पहले सबसे पहले डालनी है टू टेल ईच एंड एवरी गर्ल आउट देयर कि जितना ग्लैमरस ये वर्ल्ड है, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही नहीं हैं, देर आर यू नो सम डिसएडवांटेजेस विद associated with it. तो please be aware, थोड़ा सा awareness की ज़रूरत है, else you are doing perfectly fine. I just needed a break ताकि मैं उस चीज़ को absorb कर सकूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है. So now I am okay and I am back on my track. Okay. So पहले ही disclaimer दे दे रही हूँ कि ये video थोड़ा chatty और लंबा होने वाला है. So एक video की बात है, सह लो. ओके, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट इज़, कोई भी इवेंट का इनवाइट आता है अगर आपके पास थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एनी ग्रुप, थ्रू मेल, फेसबुक, ट्विटर और किसी भी तरह से आपको वो अप्रोच करते हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ फॉलो अप दैट वेबसाइट. उनकी वेबसाइट पे जाओ, देखो कि वो कोई इवेंट एक्चुअली हो रहा है या नहीं हो रहा है. उनके इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, हर जगह को स्टॉक कर लो अच्छे से कि एटलीस्ट, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ की वो लॉन्चिंग कर रहे हैं या इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका वो प्रॉपर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ डालते हैं कि इस सो एंड सो डेट पे, सो एंड सो जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं. उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसके पेज पे मिल जाएगी. और अगर ऐसा कोई पेज नहीं है, वेबसाइट है ही नहीं, तो वहीं से पहला इंडिकेशन मिल जाता है कि वो चीज़ फ्रॉड है. बट ऑब्वियस सी बात है नहीं. सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू फाइंड दी देयर कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, जो भी मार्केटिंग टीम है, इनफैक्ट कोई भी कहीं से भी कुछ भी एक भी इंसान का नंबर मिलता है ना, उसको कॉल करते रहो, उसको फॉलोअप करते रहो कि टू टॉक टू देम ऑब्वियसली कि उनसे तुम कॉन्टैक्ट में रहोगे तो वो तुम्हें बताएंगे दैट वो लिटरली में ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं, या फिर लेट्स से कि वो इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या यू कैन ऑलवेज आस्क देम फॉर डिटेल्स लाइक दैट. थर्डली कि उनसे तुम ये भी पूछ सकते हो कि यू नो हु इज़ हैंडलिंग द PR ऑफ दिस. अगर वो बोल रहे हैं कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो तुम उनसे ये पूछ सकते हो कि ओके, कैन यू प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ द PR हु इज़ हैंडलिंग. PR स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिलेशन, जो कि एक इन्फ्लुएंसर और ब्रांड के बीच में मीडियम होते हैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए. तो PRs जो है, अगर PR ने तुम्हें अप्रोच किया है तो आस्क फॉर देम कि वो PR एक्चुअली उनसे एसोसिएटेड है या नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये भी होता है कि PRs ही तुम्हारा पागल बना रहे होते हैं. हो सकता है उनको भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो. तो आस्क दैट यू नो द कंपनी डायरेक्टली कि ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. फिफ्थ पॉइंट इज़ ऑलवेज 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 आस्क फॉर द मेल्स, ठीक है, एंड नॉट जस्ट द नॉर्मल मेल्स, मतलब यू नो लाइक बहुत टू द फ्रैंक लैंग्वेज में मेल ना लिखी गई हो, एक प्रोफेशनलिज्म हो उसके अंदर. एंड बाय प्रोफेशनलिज्म आई मीन कि उसके अंदर कंपनी का लोगो हो सबसे नीचे, द पर्सन हु इज़ सेंडिंग इट उनका डिजिटल सिग्नेचर हो विद मोबाइल नंबर, उनकी डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं. तो जैसे मेरे को अभी रिसेंटली DW का डैनियल विलिंगटन का कोलैबोरेशन आया, सो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो DW के थ्रू ही आ रहा है, राइट?
हो सकता है उनका कोई फ्रॉड पेज है या कुछ भी जो अपना प्रमोशन चाह रहे हो मेरे थ्रू, तो उसमें आपके पास DW का लोगो लगा हुआ होगा, प्लस दैट पर्सन जिसने तुम्हें कॉन्टैक्ट किया है उनका नाम होगा, उनका नंबर होगा, उनका डिजिग्नेशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। सो ये इन सब चीज़ों की डिमांड करो। अगर तुम्हें PRs नहीं भेज रहे हैं WhatsApp के थ्रू या किसी भी उसके थ्रू भेज रहे हैं, आस्क देम कि मुझे प्रॉपर मेल चाहिए जिसमें कि सीरीज ऑफ इवेंट्स सब कुछ लिखा हो, सब कुछ, और मेक श्योर कि वो सिर्फ इवेंट और डेट्स ना लिखें कि कहाँ है इवेंट, किस जगह पे है, सिर्फ इतना ना लिखें। ये भी लिखा होना चाहिए कि वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक 2 इंस्टाग्राम स्टोरीज और 3 इंस्टाग्राम पोस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस उसके बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंशनड होनी चाहिए जिससे कि कल होकर के अगर वो तुम्हें वो चीज़ ना दे पाए तो तुम्हारे पास रिटन प्रूफ हो कि तुमने ये चीज़ बोली थी, तुम मुझे सो एंड सो अमाउंट दोगे और तुमने नहीं दी। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि तुम उस जो भी PR अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट में है या ब्रांड डायरेक्टली तुम्हारे कॉन्टैक्ट में है, तो वो ये ना करें कि वो तुमसे कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1,000, 2,000, 3,000 कुछ भी ऐसा अमाउंट मांग रहे हों कि आपको इतना अमाउंट हमें देना है और हम इसके रजिस्ट्रेशन कर देंगे आपका। नो, वाई वुड अ ब्रांड आस्क यू फॉर अ रजिस्ट्रेशन फीस? द ब्रांड वुड नेवर आस्क, नाइदर दी PR विल आस्क, ओके। ये सब एक फ्रॉड करने का तरीका है, अपने पैसे कमाने के तरीके हैं। कोई भी ब्रांड, कोई भी PR किसी भी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेता है। अपने पैसे बर्बाद मत करो इन सब चीज़ों में, अनटिल एंड अनलेस वो कोई यू नो कॉन्सर्ट है जिसके लिए तुमसे मांग रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हें अपनी सीट सिक्योर करने के लिए वो अमाउंट देना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तुम किसी कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे हो थ्रू अ PR और समथिंग। तो अगर PR और कोई मांग रहा है तो डू नॉट गिव देम डायरेक्टली कि अच्छा ठीक है, आई एम सेंडिंग यू 10,000 rupees एंड सिक्योर माई सीट ओवर देयर और समथिंग। नो, यू आर द इन्फ्लुएंसर, यू आर द ब्लॉगर, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू विजिट देयर स्टोर और समथिंग। दे आर इन्वाइटिंग यू, तुम उनके लिए काम कर रहे हो, तो बदले में तुम्हें पैसा मिलना चाहिए, ना कि तुम्हें देना है अपने पॉकेट से। नेक्स्ट थिंग इज कि आजकल बहुत ईजी और अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है इंस्टाग्राम, जिससे तुम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। बाय दैट आई मीन कि अगर कोई भी इस इवेंट की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आई है तो तुम अपनी स्टोरी में डाल सकते हो विद द एप्रोप्रिएट हैशटैग कि इफ anyone got invited for this event at this location or with particular hashtag तुमने डाल दिया अगर वो चीज़, तो बहुत सारे और तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड लोग तुम्हें मैसेज करके तुमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो उससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? उससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें वो लोग, तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड लोग पता चल जाएंगे कि जो जो उस इवेंट में जा रहे हैं, और उस इवेंट के लिए तुम्हें कन्फर्मेशन भी मिल जाएगी कि ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इस फील्ड में। तुम जितने लोगों से बात कर सकते हो करो, उनको हो सकता है कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिली हो या कुछ भी। सो टॉक टू एज मैनी पीपल एज यू कैन और पता लगाओ उस इवेंट के बारे में। बेसिक एम ही यही है कि उस इवेंट के बारे में सारी चीज़ें पता लगाना, दैट्स इट। सो द लास्ट थिंग इज़ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जब तक तुम्हें 100% और आई वुड से 200% श्योरिटी नहीं है कि वो इवेंट हो ही रहा है उस डेट पे, उस वेन्यू पे, तब तक उसके बारे में कुछ भी मत डालो, कहीं भी किसी भी सोशल हैंडल पे मत डालो, मेट पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप स्टोरीज और कुछ भी। जब तक तुम उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो मत डालो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे से कितने सारे लोग एसोसिएटेड हैं, तुम्हारे सम एक्स नंबर ऑफ फॉलोवर्स होंगे, वो कितना इफेक्ट हो रहे हैं उससे तुम्हें पता नहीं है। मे बी तुमने जैसे कोई स्टोरी डाली कि यू नो लाइक मुंबई में ये इवेंट होने वाला है एंड इफ़ यू वांट यू कैन गो देयर, बहुत अच्छा इवेंट है ये वो, हो सकता है कोई एक आधा तुम्हारे फॉलोवर्स में से चला जाए, मे बी पॉसिबिलिटी है, कोई तुम्हें इतना अंधी तरह से फॉलो कर रहा हो कि वो लिटरली चला जाए। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फॉलो करने वाला गलत है, बट उसको गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाले तुम हो,
तुम मीडियम हो उसके लिए, तो बी श्योर कि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है और तुम सही इन्फॉर्मेशन ही इंस्टाग्राम या कहीं भी पुट कर रहे हो। जैसे कि रिसेंटली आई सॉ मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स पुटिंग दैट शी इन डेली करके एक पेज बना था, उसके लिए वो लोग स्टोरीज डाल रहे थे कि दैट शी इन डेली पेज ने डाला था कि आप हमारे एम्बेसडर बन सकते हो, हम आपको कुछ सम अमाउंट ऑफ यू नो क्लोथ्स एवरी मंथ विल प्रोवाइड यू एंड लॉट ऑफ शिट्स लाइक दैट। क्यों वो क्यों तुम्हें शीन वाले बेमतलब में अप्रोच करेंगे, क्यों तुम्हें अपना एम्बेसडर बनाएंगे, जब वो इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स को नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें क्यों करेंगे, व्हाट्स यूनिक इन यू। तो आई टोल्ड देम, आई मैसेज दोज पर्सन, उन लोगों को मैंने मैसेज किया कि प्लीज़ एक बार शीन की एक्चुअल साइट पे, एक्चुअल इंस्टाग्राम पेज पे जा कर के देखो कि वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है क्लियरली, इम्पॉर्टेंट नोटिस करके मेंशन किया है क्लियरली, आई विल पुट इट हेयर ऑल्सो, उन्होंने मेंशन किया है क्लियरली कि एक फ्रॉड पेजेस बन रहे हैं उनके नाम से, शीन डेली, शीन बैंगलोर, मुंबई, ऐसे करके, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं लोगों को। तो डू नॉट फॉल इन ऑल ऑफ दिस ट्रैप, मत पड़ो इन चक्करों में, एंड मेक श्योर 500% जब तक श्योर ना हो तब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर मत भेजो, अपने थ्रू स्पेशली कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी गलत मत दो कि लोग उससे इफेक्ट। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स, यही थे सारे पॉइंट्स जो मुझे क्लियर करने थे, आउट लाउड बोलना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। आई ऑल्सो फेल्ट वेरी ट्रैप्ड इनसाइड कि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मैं बाहर दूँ ताकि बाकी लोग सेफ हों। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज इन्फॉर्मेटिव इनफ और हेल्पफुल इनफ कि तुम ऐसी किसी भी चीज़ों में नहीं पड़ोगे। सो या दिस वॉज इट अबाउट दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू पुट बिग फैट थम्स अप। आई जस्ट रियलाइज मैंने पूरी वीडियो में पेन पकड़ा हुआ है फॉर नो रीज़न एट ऑल। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड या इफ यू haven't subscribed then please do, we are gonna hit 350 I guess, I know abhi bahut chhota hai, it's you know it's just the beginning of my channel, to theek hai 350 is good thing, and hit the subscribe button, bell button to receive a notification whenever I upload a new video, and I'll see you guys until next time, bye bye.